साथियों, लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है देखिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है। इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है, पथ प्रदर्शन करने वाली है। हर युग में काशी के इस प्रकाश से किसी न किसी महापुरुष की तपस्या जुड़ जाती है और काशी दुनिया को रास्ता दिखाती रहती है। आज हम जिस देव दीपावली के दर्शन कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा पहले पंचगंगा घाट पर स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। बाद में अहल्याबाई होलकर जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पंचगंगा घाट पर अहल्याबाई होलकर जी द्वारा, उनके द्वारा स्थापित 1000 दीपों का प्रकाश स्तंभ आज भी इस परंपरा का साक्षी है। साथियों, कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने पूरे संसार को आतंकित कर दिया था, भगवान शिव ने कार्तिकी पूर्णिमा के दिन उसका अंत किया था। आतंक, अत्याचार और अंधकार के उस अंत पर देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है। लेकिन ये देवता कौन है? ये देवता तो आज भी है। आज भी बनारस में दीपावली मना रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने लिखा है, लोक बेहद विदित, वाराणसी की बड़ाई, वासी नर नारी इस अंबिका स्वरूप है। यानी कि काशी के लोग ही देव स्वरूप है। काशी के नर नारी तो देवी और शिव के ही रूप है। इसलिए इन 84 घाटों पर, इन लाखों दीपों को आज भी देवता ही प्रज्वलित कर रहे हैं, देवता ही ये प्रकाश फैला रहे हैं। आज ये दीपक उन आराध्यों के लिए भी जल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, जो जन्मभूमि के लिए बलिदान हुए।
काशी की ये भावना, देव दीपावली की परंपरा का ये पक्ष भावुक कर जाता है। इस अवसर पर मैं देश की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपनी जवानी खपाने वाले, अपने सपनों को मां भारती के चरणों में बिखेरने वाले हमारे सपूतों को नमन करता हूं।